नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। आपने देखा किस तरीके से मैनग्रोव्स को नष्ट करके भरने का काम जोरों शोरों पे किया जा रहा है। ये काम और कोई नहीं, हमारे विधायक नरेंद्र मेहता जी के भाई विनोद मेहता और उनके साले रजनीकांत सिंह जी के द्वारा किया जा रहा है। इस मामले की पूरी जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता राहुल शुक्ला जी से। नमस्कार, मैं हूँ राहुल शुक्ला, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुंबई। बीजेपी के विधायक नरेंद्र मेहता के भाई और विनोद मेहता और उनके साले रजनीकांत सिंह और साथ हरीश्वर पाटिल, ये तीनों जन मिलके मैंग्रोव्स की भरनी करते का मामला इनके खिलाफ। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार धीरज परब जी, जिन्होंने इस विषय पर शिकायत की। और बस इसी विषय पर मैं इनसे पूछना चाहूंगा किस तरीके का यह मैंग्रोव्स की जो भरनी हो रही थी, और आपने ये जो शिकायत किया है किस तरीके, आपको किस प्रकार का डर नहीं लगा, और शिकायत करने के बाद क्या किस तरीके का पुलिस का रवैया है? देखिए, इसमें मुंबई हाईकोर्ट ने 2005 में एक एनवायरमेंट के बारे में जो पिटीशन थी मैनग्रोव्स के बारे में, उसमें उस टाइम 2005 में ऑर्डर दिया हुआ था कि मैनग्रोव से लेके आप 50 मीटर तक किसी भी तरह का कचरा, मिट्टी भरा या कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, ना ही उनकी कटाई कर सकते हैं, और उनको कंपलसरी वो बैन किया था। उस तरह का ऑर्डर हाईकोर्ट ने 2005 में दिया था। उसके बाद में गवर्नमेंट ने खुद नोटिफिकेशन निकाला था, और जिसकी जिम्मेदारी हरेक पुलिस कमिश्नरेट एरिया है, तो वहां के पुलिस कमिश्नर या पुलिस अधीक्षक और वहां के कलेक्टर उनको दी गई है। उसके बाद में 2013 में हाईकोर्ट ने और एक ऑर्डर दिया वेटलैंड के बारे में, क्योंकि जो नैसर्गिक जो पानी जहां जमा रहता है, ये मैनग्रोव क्षेत्र हो या खाड़ी या तालाब या नदी किनारे के क्षेत्र जो रहते हैं, तो उसमें 2013 में हाईकोर्ट ने और एक ऑर्डर दिया था कि वेटलैंड में भी उन्होंने किसी भी तरह का मिट्टी भराव या कंस्ट्रक्शन को रोक लगा दी थी। अभी अपने यहां मीरा भाईंदर की बात करेंगे तो सराउंडिंग एरिया जो है वो खाड़ी या समुन्द्र किनारा है जहां, और जिसमें बड़े पैमाने पे मैनग्रोव है और वेटलैंड है, और ये एक बहुत ही एक इको सेंसिटिव जोन है पूरा ये मीरा भाईंदर, ये देखा जाए तो। और उसका प्रोटेक्शन करना एक्चुअली यहाँ की कॉरपोरेशन, यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट या यहाँ के लोकल जो लोक प्रतिनिधि है उनकी जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है। पर यहाँ हो क्या रहा है कि ये जो जमीनें जो यहाँ अटकी हुई है लोगों की, जो करोड़ों अबजों रुपए की जो जमीनें जिसमें फंसी हुई है मैनग्रोव और वेटलैंड में और सीआरजेड में, तो वो क्लियर करने के लिए कॉरपोरेशन की मदद से, लोकल यहाँ की पुलिस की मदद से या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद से, ये दिन दहाड़े बोलो रात को बोलो, यहाँ इसमें मैनग्रोव और वेटलैंड के बेल्ट में कचरा डंप करने का, मिट्टी का भराव करने का, उनका भर्ती का जो आने जाने का पानी का रास्ता रहता है वो बंद करने का, या मैनग्रोव के पेड़ काट देने के, ये जो है यहाँ सरेआम चल रहा है, और उसी हिसाब से यहाँ प्लॉटिंग तैयार की जा रही है। अभी आप देखेंगे जैसे कनकिया का एरिया जो है सबसे सेंसिटिव है, खुद हाईकोर्ट ने उसका दखल लिया था, और फॉरेस्ट के सीएफओ मैनग्रोव सेल के वासुदेवन जी करके, उन्होंने खुद 2014 में वहां पर्सनली विजिट करके टोटली कनकिया एरिया से लेके जैसलपार तक का पूरा उन्होंने रिपोर्ट जो है विथ फोटो हाईकोर्ट में पेश किए थे। उसके बाद में खुद कॉरपोरेशन ने हाईकोर्ट में एफिड दिया कि हम मैनग्रोव और वेटलैंड का प्रोटेक्शन करेंगे। खुद कमिश्नर उस टाइम के थे मिस्टर अच्युत हांगे करके, उन्होंने भी राइटिंग में दिया था कि हम उसका प्रोटेक्शन करेंगे। पर कनकिया एरिया की बात करेंगे तो वहां तकरीबन 2006-2007 साल वहां से कंटिन्यूज वहां कॉरपोरेशन ने पहले कचरे का भराव किया, मैनग्रोव काटे गए, आज भी वहां बड़े पैमाने पे मिट्टी की डंपिंग करके प्लॉटिंग बनाए जा रहे हैं। आप वहां गए रहेंगे, आपने देखा, मैंने चीजें सभी देखी, लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए उसमें जो जमीन के हरीश्वर पाटिल जी का नाम आ रहा है उनके साले और भाई के साथ में, तो ये आप तीनों जन का जोड़ आपने कैसे उनको पकड़ा और किस तरीके का आपने देखिए, इसमें मैंने कंटिन्यूसली मेरी वहां के कनकिया एरिया हो या मीरा भाईंदर का और अलग अलग एरिया, वहां मेरी कंटिन्यूज मैंने कंप्लेंट्स ईमेल से किए हैं, फोन करके भी किए। उस टाइम भी क्या हुआ था कि इसके पहले ऑलरेडी यहां बड़े पैमाने पे मिट्टी भराव और मैनग्रोव काटे जाने के गुने दाखिल है, मामले दर्ज है, फिर वो 7-11 कंस्ट्रक्शन हो या उनके जो विनोद मेहता हो जो आमदार के जो भाई है, हाँ, तो उनके ऊपर का ये तीसरा मामला है सेम जगह का, ये नया नहीं है, तो ये कंटिन्यूसली वहां ये चालू है। तो उस टाइम भी जब मैं वहां गया वो साइड से, जब मुझे पता चला कि भाई वहां कंटिन्यूसली वहां और भी कंस्ट्रक्शन या भराव जो मिट्टी का चल रहा है, मैं वहां गया तो स्पॉट पे मुझे दो डंपर वहां दिखे,
जो मैंग्रोव बेल्ट में और वो वेटलैंड में भराव कर रहे थे, तो मैंने तुरंत वहां से मीरा रोड के सीनियर जो है उनको इन्फॉर्म किया, फिर बाद में तहसीलदार को इन्फॉर्म किया, कमिश्नर को मैंने फोन किया था पर उस टाइम उन्होंने फोन उठाया नहीं, फिर कलेक्टर से मेरी बात हुई, तो खुद वहां जो स्पॉट पे वहां खुद उसी टाइम वो जो वहां क्लब हाउस का काम चालू है 7-11 कंस्ट्रक्शन का, तो वहां खुद एमएलए नरेंद्र मेहता जी वहां थे, तो जैसे ही पुलिस वगैरह वहां आई तो वैसे वो खुद वो भी वहां साइड पे आए, अपने पुलिस उनके कर्मचारी भी थे और उनके जो पुलिस के गार्ड भी थे वो भी खुद आए वहां, तो वहां जो पुलिस ने 2 डंपर वहां सीज किए, उनके ड्राइवर्स को अरेस्ट किया, तलाठी ने वहां पंचनामा किया और वो हिसाब से पुलिस स्टेशन में जो है कलेक्टर के ऑर्डर के बाद में गुना दाखिल हुआ है। पर गुना दाखिल जो हुआ है उसमें भी अभी भी सेक्शन जो लगाने चाहिए थे वो पर्याप्त सेक्शन लगाए नहीं गए जानबूझ के, क्योंकि अभी जो 15 एनवायरमेंट एक्ट का जो 15 और 16 जो 17 सेक्शन लगा हुआ है उसके बावजूद ये रिपीट हुआ है गुना, ये थर्ड टाइम हुआ है, विनोद मेहता के ऊपर तीसरा मामला दर्ज हुआ है, तो इसके लिए इन्होंने सेक्शन 3 लगाना चाहिए था, पर अभी भी पुलिस या रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो लगाने के लिए आना का नहीं कर रही है। मतलब कहीं ना कहीं ये विधायक के भाई है, विधायक का साला है, तो उनको बचाने के लिए ये सब दिक्कत ये जो चल रही है। तो बड़े पैमाने पे बिल्डर लोगों ने अपनी प्लॉटिंग बना ली है ये मैंग्रोव में और वेटलैंड में, कचरा मिट्टी डंप करके उनके प्लॉटिंग बनाई गई है। दुख की बात यह है उसमें कि तकरीबन 15 से 16 गुने वहां वो कनकिया एरिया में दाखिल हुए हैं पुलिस स्टेशन में अलग अलग टाइम पे, और तकरीबन 11 जगह खुद कॉरपोरेशन ने वहां परमिशन दी है, बांधकाम परमिशन। मतलब एक तो क्लियर कट साफ है कि जहां कॉरपोरेशन गुना दाखिल कर रही है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट गुना दाखिल कर रहा है, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा है इसलिए, और उधर ही आप परमिशन दे रहे हो कंस्ट्रक्शन की और वहां कंस्ट्रक्शन चालू है। दूसरी बात आप देखेंगे वहां तो वहां जो तिवारी कॉलेज से लेके जो आगे जो नया रास्ता कॉरपोरेशन ने बनाया है वहां एक्चुअली इनको रास्ता बनाने का अभी तक ऑफिशियली परमिशन कुछ नहीं है, क्योंकि वो वेटलैंड और मैंग्रोव में रास्ता बना नहीं सकते, और आप देखेंगे तो वहां कहां भी बिल्डिंग्स बनी नहीं हुई आगे तक, फिर भी इन्होंने रास्ता बनाया है, पूरा 30 मीटर का रास्ता बनाया है। मतलब वहां के आजू बाजू के जो प्लॉट्स है बिल्डर के वो इसकी वजह से क्लियर हो जाएंगे, और आपके आज के तारीख में वहां के अगर आप रेट देखेंगे कंस्ट्रक्शन का जो एक रेट चल रहा है फ्लैट का, तो वो हिसाब से वहां की अब जो रुपए की जो इसमें जो कमाई जो है बिल्डर्स है, फिर उसमें जैसे इन्वॉल्व है जैसे 7-11 कंस्ट्रक्शन एमएलए जैसे उनके लोग हैं, कॉरपोरेशन के लोग हैं, तो ये सब उसी के लिए चल रहा है। इसलिए हाईकोर्ट ने इतना सख्ती के लेने के बाद भी वहां कंटिन्यूसली एनवायरमेंट का वहां उल्लंघन हो रहा है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और मैं बोलता हूं इसमें विनोद मेहता है या जो उनके आमदार नरेंद्र मेहता के साले रजनीकांत जी, ये खाली सिर्फ नाम के लिए, सबको मालूम है कि 7-11 कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके होटल से उनके फाउंडर कौन है, तो खुद नरेंद्र मेहता है आज, हाँ खुद वो डायरेक्टर थे ही उसमें, खुद डायरेक्टर थे, उनकी मिसेस डायरेक्टर है, वो खुद डायरेक्टर थे, उनके भाई उनका डायरेक्टर है, उनके जो करीबी है वो सब डायरेक्टर है, और शहर में सबको मालूम है कि 7-11 कंस्ट्रक्शन कंपनी किसकी है, खुद वही इन्वॉल्व है उसमें, तो खुद आमदारी उसमें इन्वॉल्व होने की वजह से एक्चुअली पुलिस ने उनके ऊपर मामला दर्ज करना चाहिए था, क्योंकि खुद जब वहां सीनियर थे मीरा रोड के शिंदे जो थे वहां खुद, तो उस टाइम वो जब एमएलए वहां आते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हमने ऐसा कुछ वायोलेशन किया नहीं है, ये तो हम खेती करते थे, किसानों को नुकसान न हो इसलिए बांध बनाया है, ये अभी वहां कौन सी खेती होती है। हाँ जो एनवायरमेंट की खुद एनवायरमेंट का मैंग्रोव और उनका नुकसान किया इसके लिए खुद कॉरपोरेशन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने खुद वहां एफआईआर दर्ज किए, जिस सर्वे नंबर पे एफआईआर दर्ज किए है उसी सर्वे नंबर पे मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बड़े बड़े बिल्डरों को और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को बांधकाम की परमिशन दी है। एक बाजू अगर आप बात करते कि आपको पर्यावरण के लिए आप सेंसिटिव है, आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने ये बड़े बड़े बिल्डरों को कंस्ट्रक्शन कंपनियों को किस हिसाब से परमिशन दी? तो पहली बात तो जो परमिशन दी है आप तुरंत उसको रद्द कीजिए, जहां जहां भरा हुआ है वहां एमआरटीपी एक्ट और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामले दर्ज किए जाए, आइंदा वहां आगे से उस सर्वे नंबर पे किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन की परवानगी न दी जाए, और हाईकोर्ट के आदेश के हिसाब से जहां जितना भी भरा हुआ है जो कंस्ट्रक्शन हुए वो एरिया जो है आप पुनः आप वो सब रिमूव करें कंस्ट्रक्शन या मिट्टी, और वहां पहले जैसी स्थिति निर्माण करें, ये हाईकोर्ट के ऑर्डर्स है। और दूसरी बात यहां का जो अभी क्लब हाउस कॉरपोरेशन ने
उसी जगह जहां मामले दर्ज हुए हैं उसी जगह 7-Eleven कंस्ट्रक्शन और उनके होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को क्लब हाउस को परमिशन दे दी। अभी इसमें देखिए गए साल नवंबर 2015 में उसी सर्वे नंबर के ऊपर विनोद मेहता के ऊपर मामला दर्ज हुआ FIR सेम उसी जगह पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, और दिसंबर 2015 में कॉरपोरेशन ने वहां क्लब हाउस की परमिशन दी और अभी तक शिकायत होने के बाद में भी अभी तक उन्होंने क्लब हाउस की परमिशन ना ही रद्द की है ना काम रोका है। डॉक्टर जो है डॉक्टर महेंद्र कल्याणकर उन्होंने खुद वहां विजिट की, वहां कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स थे, उन्होंने कड़ी निंदा की कॉरपोरेशन की और नाराजी जताई और उनको ऑर्डर्स दिए हैं कि आप यहाँ के सभी कंस्ट्रक्शन वो क्लब हाउस का भी काम तुरंत रोक दे जाए, वहां आप सिक्योरिटी बिठाए ताकि वहां नए कोई भी मिट्टी भराव ना हो, ये इन्होंने कल के ऑर्डर दिए। इस प्रकार का गैर कानूनी काम किया गया तो इस पे कहीं ना कहीं हमारी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं इसकी जानकारी मिलने के बाद IAS ऑफिसर नरेश गीते को मिलने के बावजूद भी इसकी कार्रवाई अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार और यहाँ पे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो इस प्रकार के गिरफ्तारी या कार्रवाई होने के बावजूद भी अगर इनको परमिशन मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये सवाल हमारी सरकार पे खड़े होते हैं और बीजेपी गवर्नमेंट अगर इसे सही तरीके से नहीं देखती है तो नरेंद्र मेहता को इस्तीफा देने भी आवश्यकता जरूर है। ब्यूरो जर्नलिस्ट अजीत पाटिल के साथ राहुल शुक्ला, सिटी न्यूज़ मुंबई।